Hi friends, how are you? नाम जानते हैं या बताना पड़ेगा? मेरा नाम सक्षम है, मैं बीटेक पास आउट हूँ 2015 का ही। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से मैंने बीटेक पास करने के बाद मैं बेंगलोर में जॉब सर्च करने के लिए आया, तो मुझे पता चला कि जॉब ऐसे सीधा बीटेक आपका 75 भी रहे 70 भी रहे तो आपको जॉब नहीं मिलेगा जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है। मैंने सोचा क्या स्किल्स होता है सब। अब स्किल्स का बात तो मैंने बहुत आदमी से पूछा तो कोई बताया सी, जावा, .NET, PHP, वेब पेज डिजाइनिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, CCNA, हेड हुक, बिग डाटा एंड हेड हुक, SQL, DBM सर्वर, मैनुअल टेस्टिंग, पता नहीं बहुत सारे कोर्सेज के नाम बताए। कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, और क्या बताऊँ, कोई थोड़ी ना एग्जैक्ट आपको कोई ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कि तो आप यही कोर्स करो जिससे जॉब आपको मिल जाए। मैंने भी ऐसे ही जल्दीबाजी में काम किया और क्या सही किया, मेरे दिमाग में उस समय जो आया उसे मैंने किया। मैंने एक इंस्टीट्यूट, वो कंसल्टेंसी टाइप का इंस्टीट्यूट है, वो CCNA का कोर्स, वहाँ से ज्वाइन कर लिया। यहाँ तो हर एक आदमी बोलते हैं 100% प्लेसमेंट देंगे, ये वो देंगे। मेरा कोर्स उन्होंने बोला था कि 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो कोर्स मेरा 4 महीने में ख़त्म हुआ। और वो बोले कि जॉब दूंगा ऐसे ही, लेकिन ना कोई अभी तक आए हुए, 6 महीना हो गया, नहीं वहाँ से कोई जॉब मिला ना कुछ। बात ऐसी है कि भाई, एक तो पहली बात, जो आदमी अभी 10th और 12th में हो उनसे आग्रह ये है कि इंजीनियरिंग का भूत है तो उसे निकाल दीजिए, या अगर वो भूत नहीं निकल रहा है, इंजीनियरिंग का भ्रम इंजीनियरिंग करने का, अभी भी इतना मार्केट ख़राब होने के बावजूद भी अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो आप या तो जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दीजिए कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है सब, IIT, AIEEE ये सब का, तो तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो बहुत बुरा स्थिति है इंडिया में इंजीनियर का। मैं भी इंजीनियर हूँ, जॉबलेस इंजीनियर, और जो मेरे जूनियर जो इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में, उनसे ये है कि उनका जो घर से पॉकेट खर्च आती है ना, उसका कुछ रुपया सेव करके ये सब जो पता नहीं स्किल्स डेवलपमेंट का कोर्स वोर्स है, सी, जावा, SQL, पता नहीं जिसमें इंटरेस्ट हो, अगर इंटरेस्ट ना भी हो इन सब चीज़ में तो भैया मेरे करना पड़ेगा, तभी जॉब मिलेगा। और एक और बात, कम्युनिकेशन स्किल्स, हाँ आई डोंट नो क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, लेकिन उसका हर एक कंपनी में कोई उपयोग भी नहीं है। मेन चीज़ कम्युनिकेशन स्किल मीन्स बोलने का तरीका, क्या आपका बोलने का तरीका है, और वो भी फ्लुएंटली। ये लोग जो इंग्लिश खोजते हैं फ्लुएंटली, ऐसे नहीं जो हम लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं, फ्लुएंटली। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, मालूम नहीं कल जॉब वॉब होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो तभी पता चलेगा ये सब का कम्युनिकेशन स्किल का कहाँ उपयोग होता है। लेकिन मेरे समझ से तो इसका BPO या जो इंटरनेशनल वॉयस प्रोसेस का टेक सपोर्ट है उसी में यूज होता होगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ बात करना हो, लेकिन छोड़िए, लेकिन इसको इम्प्रूव कीजिए तो फ़ायदा रहेगा। और आप अगर सोच रहे होंगे कि मैं BTech कर लिया, मैं BTech कर लूँगा, अभी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में होंगे या फाइनल ईयर में, तो चलो BTech कर लूँगा, जॉब मिल जाएगा, बाहर से जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, इधर उधर पैर मारेंगे, हो जाएगा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, इतना मुश्किल है। एक गांव से अंगूठा छाप आदमी आएगा और उससे उसको आराम से नौकरी लग जाएगा, ठीक है, लेकिन एक इंजीनियर को नौकरी लगना आज के डेट में इतना आसान बात नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा दारू सिगरेट जो सब आप करते हैं लौंडियाबाजी, ये सब पे पैसा थोड़ा सेव करके थोड़ा उस सब में SQL, DBM पता नहीं उस सब में लगाना शुरू कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। क्या है कि हमारा 6 महीना तो अब समाप्त हो गया CCNA का करके, कोई अपॉर्चुनिटी इतना नेटवर्किंग का है नहीं, और पता नहीं मेरे समझ से नहीं है, मेरे को ना उतना ज़्यादा इंटरव्यू कॉल मिलता है, और मैं जहाँ भी अप्लाई करता हूँ वहाँ पे स्किल्स में आता है C++, जावा, .NET, SQL, DBM सर्वर, यही सब आता है।
पता नहीं, तो मैं बेंगलोर में नया आया था, उतना ज़्यादा कोई आईटी का कोई आदमी उतना गाइड करने वाला नहीं था, हड़बड़ा के कोर्स कर दिया। लेकिन क्या करूँ, जॉबलेस हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होता है, लेकिन क्या कीजिएगा, आपको करना पड़ेगा। आपको अगर नहीं चाहते हुए भी उस सब चीज़ में इंटरेस्ट रखना पड़ेगा। बात यह है कि अगर एक और बात यह है कि इस सब का जो कहीं ना कहीं दोष है वो पूरा पूरा अपने एजुकेशन सिस्टम पे जाता है। एक AICTE है जो पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज को एप्लीकेशन देती है, 100% उसी का दोष है। अगर वो चाहे तो सिलेबस चेंज करके उसमें वो सब डाल दे जो एक्स्ट्रा स्किल्स कंपनी मांगते हैं, वो सब का भी एक सब्जेक्ट डाल दे तो सही रहेगा। पता नहीं फालतू फालतू का क्या सब सब्जेक्ट रहता है, इंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट, पता नहीं हमारा था कॉम्बिनेशन सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, पता नहीं ये सब क्या था, बहुत था, DGCOM, MOBICOM, ये सब सब्जेक्ट सब, ये सब का कोई उपयोग आज हो नहीं रहा है। सबके बारे में नॉलेज है, मैं कॉलेज का टॉपर भी था, मतलब टॉपर भी रहा हूँ 2-3 सेमेस्टरों में, ऐसा नहीं कि मैं ओवरऑल टॉपर रहा हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन इस सब के बारे में आइडिया है। और कोई आदमी अगर बोलता है कि BTEC इतना आसान है, इतना आसान थोड़ी ना है, अरे भाई पास होने के लिए भी हालत ख़राब हो जाती है। और जो आदमी जो 70% से ऊपर है, जैसे मेरा भी परसेंट है 70 से ऊपर है BTEC में, तो मैं जानता हूँ ना कि वो कैसे है। कहने में तो ऐसे ही है कि अरे BTEC ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है, अरे ऐसा थोड़ी ना, कितने आदमी BTEC गार्जियन पैसे लगा के नाम तो लिखाई देते हैं लेकिन कितने आदमी लौट के भी आते हैं घर पे। तो ये सब चीज़ ईजी नहीं है। आजकल मार्केट सिचुएशन एक ख़राब है कि देखिए मेरी बात रख लीजिए, बचपन से ना मेरा इंटरेस्ट, ना मैंने कभी सोचा कि इंजीनियरिंग करना है। मेरे गार्जियन का शौक था, उनका हॉबी था, जुनून था कि अपने मेरा बेटा पढ़ने में कैसा भी हो कि कुछ भी हो उसे इंजीनियर बनाना ही। मैं पढ़ने में बचपन में भी बहुत मैं ठेल ठाल के ही 12th किया, मेरा 12th में वो 50% के आसपास ही नंबर है, कोई ज़्यादा है नहीं, मतलब ठेल ठाल के ही पास हुआ। लेकिन मेरा गार्जियन का ये शौक़ था कि मैं अपने बेटा को इंजीनियर बनाऊँ, तो चलो भाई बना दिए किसी तरह। लेकिन आज जो भोगना पड़ रहा है, अगर मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट होता, मैं अगर बचपन से ही मेरे को इंटरेस्ट होता कि नहीं नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, क्लास 5 क्लास 6 से नहीं नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, तो आज मैं ऐसे आपके सामने आप लोगों को ये वीडियो सुनाता नहीं रहता। मैं भी किसी MNC कंपनी में जॉब वॉब करता रहता, जॉबलेस इंजीनियर की तरह भी मैं बैठा नहीं रहता। लेकिन ये सब उतना, मेरा सोसाइटी भी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, मैं उतना अच्छा फैमिली से भी नहीं था कि मेरा जो दिमाग में हो कि नहीं नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये करना है वो करना है। देखिए आपका माइंड डेवलप वो आपके सोसाइटी पे डेवलप करता है कि आप कहाँ कहाँ रहे हो, कैसे आपने 10th की है, आपने 12th की है, कैसे आप छोटे से बड़े हुए हो, उस पर दिमाग डेवलप करता है, वो सब चीज़ से ही होता है। लेकिन ना मेरा उतना अच्छा सोसाइटी था, ना मुझे उतना अच्छा कोई गाइडलाइन करने वाला था। अगर आप ही बोलिए मैं 12th तक ऐसे ही मतलब ठेल ठाल के पास होते गया, तो ऐसे ही उस समय मेरे को कोई समझदारी उतना था नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे एक UP के इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे गार्जियन ने नाम लिखवा दिया, चलिए वहाँ जाके मुझे समझ में आया कि नहीं नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, इतना दिन से मैंने पढ़ा नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं था। अब तो चलो एक मेरा फ्रेंड था, मेरा बेस्ट फ्रेंड अभी भी है मनु शर्मा, उसने मेरे को बहुत अच्छा गाइड किया। तो मैंने सोचा कि अरे भाई वो उस समय तो कोई गाइड करने वाला नहीं था कि ऐसे पढ़ना है ऐसे पढ़ना है ऐसे पढ़ना है, लेकिन अभी तो है, और वो मुझे हरदम गाइड करता था।
तो मैंने सोचा कि नहीं भाई अब तो कुछ पढ़ना पड़ेगा। फिर मैंने जी तोड़ मेहनत करके अपना अच्छा खासा परसेंटेज से पास आउट किया। आजकल आप देखिएगा एक क्लास LKG UKG या 1 2 3 के जो स्टूडेंट है उस पे उसके पेरेंट्स एकदम धीरे रहते हैं। कि ऐसा ऐसा लगता है ना हम लोग को देखने से कि मतलब उनके जो पेरेंट्स सोचते हैं कि इसका कल 12th का एग्ज़ाम है, इसका सेंटअप कैंडिडेट है इस तरह से। लेकिन वो सब चीज़ काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो गाइड कर रहे हैं अपने अपने छोटे बच्चे को, शुरू से ही गाइड कर रहे हैं। ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ था। चलिए वो ये मेरा गार्जियन का जुनून था कि नहीं नहीं अपने अपने बेटा को इंजीनियर ही बनाए। और उनका जुनून जुनून बोल सकते हैं या उनके बहुत सारे फ्रेंड अच्छे अच्छे पोस्ट पे इंजीनियर हैं ये वो, उससे भी वो इंस्पायर हुए होंगे इसीलिए ऐसा पता नहीं। लेकिन गलत, आपका बच्चा जो करना चाहे उसे करने दीजिए। अगर मैं जो करना चाहता, अगर मैं क्या चाहता था, मेरे से पूछा जाता कि भाई तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, क्या करोगे, अगर उस फील्ड में अगर मुझे भेज दिया जाता तो पता नहीं सक्सेस होता कि नहीं होता। लेकिन अभी तक ऐसे तो बैठा नहीं रहता, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर बैठा नहीं रहता। क्योंकि वो दूसरे का मतलब दूसरे के डिसीजन से इंजीनियरिंग किए, चलो भाई इंजीनियर बन गए, लेकिन क्या परेशानी बाद में भोगना पड़ रहा है आप तो देख ही रहे हैं। अगर इंजीनियर आज के डेट में बेरोजगार है तो उसका पूरा पूरा श्रेय जाता है एजुकेशन सिस्टम पे 100%। क्योंकि कंपनी बाहर आइएगा तो टेक्निकल स्किल मांगेगी, मांगती है ना, वो सब पता नहीं क्या क्या बिग डाटा। अगर वही सब चीज़ अगर एक सिलेबस में डाल दिया जाए, वो 4 साल के सिलेबस में 8 सेमेस्टर होते हैं, उसमें एक एक सेमेस्टर करके वो आठों चीज़ डाल दिया जाए तो कितना अच्छा होता। यहाँ पे आते हैं बाहर टेक्निकल स्किल, अरे भाई लो इंटरव्यू लो बताएंगे। लेकिन एक चीज़ बताइए, हम लोग जो खैर नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो जो माँ बाप अपने अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कराए होंगे बहुत कष्ट से, ज़मीन बेच के या अपना जो पहले कुछ बैंक बैलेंस किए होंगे या बहुत बहुत ही ज़्यादा कष्ट काट के इंजीनियर प्राइवेट कॉलेज से, अगर उस बच्चा का प्लेसमेंट नहीं होता है कॉलेज से, ऐसा ही होता है कॉलेज वॉलेज में ज़्यादा प्लेसमेंट ऐसा वैसा नहीं होता है, ठीक है, और वो आदमी बाद में जॉब खोजने के लिए बेंगलोर या दिल्ली आए, बेंगलोर में रहना आप समझते हैं 10-15 हज़ार का तो महीना लगेगा या दिल्ली में। अब वो आदमी जॉब खोजेगा, जॉब नहीं मिलेगा, उसके माँ बाप पर क्या बीतेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं अपने बच्चे को, एक तो चीज़ ये है, इससे कंक्लूजन ये है कि अपने बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसे वही करने दें। हम तो सोच लिए, हम तो भुक्त भोगी हैं तो हम तो सोच लिए कि हमारा बेटा बेटी जो कहेगा ना कि मैं पापा खेलूंगा, ले भाई तू खेल, खेलता ही रह पूरे दिन मत पढ़, ऐसा ही तभी जाके सही होगा। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि आपका एजुकेशन सिस्टम पूरा करप्ट है। जो आपके शिक्षा मंत्री हैं उनको तो रुपया अपना बैंक बैलेंस चाहिए, और ये सब जो है नेता राजीव गांधी सॉरी सॉरी राजीव गांधी नहीं, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, ये सब एक कठपुतले हैं। इनको भी सब आंकड़ा मालूम है कि सबसे ज़्यादा आदमी बीटेक कर रहा है और बेरोजगारी है, फिर भी अभी प्रोसेस वर्क ऑन द प्रोसेस, इसमें कितना आदमी सोसाइटी कर लेगा तब इनका जाके कुछ नहीं होगा। वो हम जानते हैं, ये सब चीज़ सब चल रहा है, ये सब बकचोदी है, इन सब से कुछ होने वाला है नहीं, कोई सिस्टम उस्टम सुधारने नहीं आ रहा। आप एक चीज़ बताइए, अगर इंडिया में अगर कानून होता अगर ऊपर में, तो एक चीज़ बताइए, मेरे बिहार में लालू के दो बेटा हेल्थ मिनिस्टर डिप्टी CM, ये सब 7वीं 8वीं फेल है, पता नहीं एक 9वीं फेल है जिसका अपना इंट्रो नहीं आता, वो हेल्थ मिनिस्टर है, और हमारे ऐसा बीटेक ग्रेजुएट यहाँ पर आपके सामने
आपके सामने भाषण दे रहा है बैठे हुए कि यही आपका इंडिया है, मानो ना मानो। एक चीज आप हमको बतलाइए, बम ब्लास्ट ये सब जो होता है, मेरे को छोड़िए मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा वो मेरे पे रहने दीजिए, लेकिन मैक्सिमम केस में अगर कोई आदमी बोलेगा कि 15 लाख रुपया मैं दे रहा हूँ, आप उस आदमी को नहीं जानिएगा कि इस बेंगलोर में कहाँ कहाँ पे सुनसान एरिया है, कितना लेक है, कितना क्या है, आप जानोगे। आप तो ऑब्वियसली बात है, आप यहाँ पर हो तो जानोगे कि इधर सुनसान एरिया है इधर लेक है। अब मेरे ऐसा आदमी फ्रस्ट्रेट होगा, और उसे वो जॉब के लिए ना पैसे के लिए एक एक पैसे की लालच उस पर पड़ रही होगी, तो वो क्या करेगा? वो 15 लाख रुपया वो आदमी से लेगा और उसको सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा देगा ही ऑब्वियसली बात है 99% केस में ऐसा होगा। वो पहली बात उस समय ये नहीं सोचेगा, इसमें कंडीशन दो है, पहली बात ये है कि इसमें वो बम लगाएगा या इस शहर को उड़ाएगा या टारगेट करेगा उससे कितना निर्दोष का जान जाएगा। दूसरी बात यह है कि अरे पैसे तो आ रहे हैं 20 लाख, ये मैं अपने समझ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो करूँगा वो तो मैं पता नहीं क्या करूँगा, लेकिन ऐसे ऑफर आते ही कहाँ हैं लेकिन क्या ऐसा ही हो रहा है ना। एक चीज़ बताइए, वो बाहर के आदमी को कैसे मालूम है कि आपके इंडिया में, साला पठानकोट में अभी हमला हुआ था, क्या वो बाहर के आदमी को थोड़ी ना मालूम हुआ कि ऐसे जाओ, सब अंदर का आदमी किया। यही बात है भाई, यही अब क्या करेंगे। अब हम तो एकदम डिक्लियर चैलेंज दे रहे हैं गवर्नमेंट को, डिक्लियर अगर नहीं सुधरा ये इंडियन सोसाइटी, अगर कुछ ना हो तो क्या करेंगे, हथियार उठाएंगे खुलिया? हथियार उठाना पड़ेगा ना भाई, कितना दिन ऐसे काम चलेगा? फ्रस्ट्रेट हूँ। एक तो साले रिजर्वेशन जनरल है तो उनकी मार लो, SC ST है वो तुम्हारे बाप हैं, उन्हें दे दो, सब कुछ उठा के दे दो, क्या बताऊं साला हर जगह से मर चुके हैं, कोई नहीं पूछ रहा है आज के डेट में कहाँ हो। अगर कोई पूछ रहा है तो सब मजा ही ले रहा है, कोई पूछ रहा है ना कि कहाँ हो तो सब मजा ही ले रहा है। बीटेक तक बहुत पूछते थे, और एक और बात है जो बीटेक तक नहीं पूछते थे वो अब आपको फ़ोन करके पूछेंगे कि कहाँ किस कंपनी में जॉब कर रहे हो, सब उन्हें पता है कि ये जॉब वॉब करने लगे लेकिन मजे लेंगे। अब बहुत आदमी ऐसे हैं, हाँ ऐसा कर तुम CV अपना, अभी मैं तुमको दे रहा हूँ मेल अपना, तुम CV सेंड कर दे। मैंने ऐसे ऐसे करके 260-300 आदमी को मैंने CV सेंड कर दिया, लेकिन पता है ओरिजिनल बात क्या है, CV उनका इनबॉक्स में ही पड़ा रहेगा, वो फॉरवर्ड नहीं होता है, वही होंगे 4-5 जो आदमी फॉरवर्ड किए होंगे, लेकिन बाकी बात समझे भाई, किसी को CV भेजते हो उससे आशा होता है कि ये आदमी कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन फैक्ट है वो कुछ नहीं करता, वो आपके लिए कहीं फॉरवर्ड नहीं करे, लेकिन बोलेगा। कसम से बता रहा हूँ, मैं जिस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, अगर इससे मैं निकल जाऊँ, अगर कहीं अच्छा जॉब हो जाएगा तो मैं कसम से किसी का हेल्प करने में चूकूंगा नहीं। और आपसे भी अनुरोध है कि जहाँ तक हो सके किसी को हेल्प कर दीजिएगा इन सब मामला में। एक्चुअली जो फैक्ट है वो आज के डेट में कोई नहीं कुछ करता है, क्यों करे आपके लिए, किसी के पास क्यों मुंह खोले कोई आदमी कि भाई ये मेरा वो भाई है, ये मेरा ये है, ये अभी बीटेक किया, इसको जो क्यों मुंह खोले। लेकिन बहुत आदमी मुंह खोलते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे, बहुत चूतिए बहुत अच्छे अच्छे कंपनी में बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं, ऐसा है, ऐसा मैंने देखा है। रेफरेंस बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ IT में आपको 70% काम रेफरेंस से होता है, मानो या ना मानो। मैं जाके
मैसूर में मैं इंटरव्यू के लिए गया था, वो वहाँ पर मैं विप्रो के मैनेजर से बात करके आया कि रेफरेंस छोड़िए वो सब क्या बात हुआ, छोड़िए वो सब बात ओपन करने की चीज़ नहीं है, लेकिन एक चीज़ समझ जाइए, आईटी इंडस्ट्री या कहीं भी आपको रेफरेंस बहुत मैटर करता है। अगर मेरे पास कोई अच्छा रेफरेंस होता तो कोई अभी चूतिए की तरह ऐसे डिप्रेस हो के फ्रस्ट्रेट हो के पता नहीं मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस मैं बोल रहा हूँ इतना फ्रस्ट्रेट हो के मैं आपके सामने ऐसा बोल नहीं रहा, लेकिन जो मैं बोला उस पर थोड़ा गौर कीजिए, देखिए, समझिए, और प्लीज़ किसी को सजेशन मत दीजिए कि भाई तू इंजीनियरिंग कर। अगर वो करना चाहता है तो उसे बोलिए कि प्रिपरेशन कर, अगर नहीं हो पाए गलती से तो उसे बोलिए कि किसी और फील्ड में जाए, इंजीनियरिंग में अब कुछ रखा नहीं, यही सब चीज़ है, क्या बताऊँ भाई। मेरे मैं बताऊँ, कोर में अगर जॉब लग जाए 5-7 हज़ार का भी आजकल जॉब कोई नहीं दे रहा, क्या करो, स्थिति ये है, किससे कहूँ, कोई सुनने वाला नहीं है आज के डेट में, कोई सुनने वाला नहीं, वही जॉब हो जाएगा, वही सब कुछ सेटल हो जाएगा तो सब पूछने वाले हैं, लेकिन भाई कसम से तो प्रूव हो गया, अब तो देख लिया मैंने कि तुम सही हो ना, तुम्हारे पास पैसा है ना, तुम्हारे पास तुम ठीक हो तो तुम्हें सब पूछेंगे, और तुम अगर दलदल में हो ना तो आदमी नहीं देखते वैसे वैसे आदमी को, ये फैक्ट है भाई, अपने अपने आदमी बदल जाते हैं समय पड़ने पर। कहते हो तो औरों की तो बात छोड़ो, क्या बताऊं, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ निकलेगा ही, समस्या का हल निकलेगा ही, लेकिन आप लोग से आग्रह है कि जब ऐसा गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम करप्ट, ऐसा सिस्टम करप्ट, और ये भाषण तो देंगे ऐसे ऐसे कि ये ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ये इंडिया को बनाएंगे, अबे भाई मैं क्या, मेरा बच्चा आने वाला बूढ़ा हो जाएगा फिर भी ना तुम कुछ कर पाओगे, ये तो लिखित रूप से सत्य है, मोदी जी आए या कोई जी आए ये सब चीज़ इंडिया में पॉसिबल नहीं है, और ये सब चीज़ यही चूतियों के कारण, हम ही जैसे चूतियों के कारण पॉसिबल नहीं। आप देखिए ना बिहार का तो इलेक्शन अभी हुआ है, देखे हुएगा, तो फिर छोड़िए वो सब एग्जांपल बिहारी है, फिर समझ जाइएगा सब कुछ, यही सब बात है। और एक और चीज़ है, आजकल के जो गार्जियन है उनके मेंटलिटी यही है कि बच्चा है ट्वेल्थ में है तो एक ही चीज़ मेडिकल, नहीं तो इंजीनियरिंग, पैसे हैं तो मेडिकल, नहीं तो इंजीनियरिंग, वाह सही सोचा आपका, और उसी का नतीजा एक हम भी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो बहुत है मेरे जीवन में, जो सबसे बड़ी पता है, मैं बहुत हंसने वाला आदमी था, मैं बहुत खुश रहने वाला आदमी था, मैं बहुत ज़्यादा फ्रैंक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब कितना भी दुख हो ना तो मैं बहुत हंसता रहता था, सबको हंसाता था, लेकिन पता नहीं आजकल मेरी हंसी कहाँ चली गई, मेरी हंसी अपने आप मेरे चेहरे से उड़ गई, क्या बताऊँ, हंसना चाहता हूँ हंस नहीं पाता हूँ, कैसे हंसूँ भाई, हंसने का कुछ वजह होना चाहिए, कोई नहीं है भाई, सब फोन करके घर पे भी आदमी फोन करके पूछेगा क्या चल रहा है, यही सब फैक्ट यही है भाई, बहुत कष्ट है इंजीनियरिंग करने, इंजीनियरिंग में तो बहुत भाई साहब बहुत मजे हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सजा, और जॉब जो है सो एक सबसे बड़ा फैक्ट है कि लक पे भी डिपेंड करता है, काहे कि मैंने बहुत देखा है कि बहुत ऐसे ऐसे आदमी का जॉब हुआ है ना, अरे छोड़िए, बहुत परेशान हूँ, और मैं भोग चुका हूँ 6 महीने से, इसीलिए मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि ये रियल है, ये फैक्ट है, सही बता रहे हैं, कोई दुकान उकान खोल लीजिए लेकिन इंजीनियरिंग ना करें, बड़ा कष्ट है, कोई आपकी मदद वदद नहीं करेगा, यू कैन डू इट, आप ही को सब कुछ करना पड़ेगा।
ठीक है चलते हैं। मैं क्या बोला पता नहीं, कोई प्रिपरेशन थोड़ी ना, ऐसे ही बोल दिया। हाँ और वो एक और बात, वो एप्टीट्यूड रीजनिंग पता नहीं क्या क्या, वो सब भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उन सब से भी वो बहुत ज़्यादा कंपनी मांगते हैं पता नहीं क्यों, लेकिन एप्टीट्यूड रीजनिंग पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बीटेक की डिग्री से कुछ नहीं होगा, यही बात है। ठीक है ऑल दी बेस्ट, आप भी खुश रहिए और हमारा देखते हैं आगे क्या होता है।